हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये है दोपहर का समय जो कि मैं खाना वाना बनाकर और तब अपने काम पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी की सफाई करनी है। मंगलवार को तो झाला वाला नहीं मारते हैं, इसीलिए आज है सोमवार। तो आज ही के दिन सब पूरा रूम में मार देते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन हो गया था नहीं मारे हैं और होने लगी है मेरी देसी सफाई। और इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से झाला साफ हो जाता है बहुत, क्योंकि जितना बाजार से आप खरीद कर लाएंगे उससे साफ नहीं होगा, मगर इससे हमको बहुत अच्छा से साफ हो जाता है। इसीलिए मैं इसी को सरसों से, ये सरसों का है, इसी को बांध कर बना दिए हैं। पूरे रूम में, पूरे घर, बरामदे में, बाहर और पीछे सब आज झाला मार कर पूरे रूम में। तो पूरे रूम की तो नहीं दिखा पाए, थोड़ा सा ही आगे का बस सिर्फ शूट हुआ वही दिखाए हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा साफ कर देंगे तो जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा नहीं करना रहेगा, व्रत भी रहेंगे। तो इसीलिए देखिए पूरा आज रूम, पूरा रूम अपना क्लीन साफ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दिए हैं। उसके बाद आप पोछा लगाएंगे, तो क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, आ जाएंगे तो आते जाते हैं तो जानते हैं ना, सूखता नहीं है तो फिर लगाना भी लगाना हो जाता है, मिट्टी विट्टी चारों तरफ हो जाता है। अभी बर्तन मुझे धोना है, बर्तन नहीं धोए हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए हैं, उनको खाना खिलाकर तब बर्तन लेकर बैठ गए हैं धोने के लिए। उसके बाद अभी देखिए पोछा लगाने हैं, बरामदे का नहीं लगाए हैं। तब तक घर की सफाई कर रहे थे तब तक मेरे बच्चे आ गए हैं। इधर देखिए मेरी पूरी काम फिनिश हो गई है। यह यूरिया का छत में डाल देंगे। रात में इतनी तेज से बारिश हुई, सुबह देखिए कितनी कड़ाके वाली धूप हुई है, इतनी तेज से धूप हुआ है। यहाँ पर शाम का ये 5 या 4 बज रहा होगा, बारिश होने लगा है और रात में बहुत तेजी से आंधी तूफान चारों तरफ आया था, बहुत नुकसान भी हो गया है। यहाँ पर यूरिया का जो बोरी धोए हैं, खेतों में बारिश हो गई है तो लेकर गए थे डालने के लिए, तो उसको धोकर और बारिश यहाँ पर देखिए ख़त्म हो गई है, तो इन्हें डालकर चिमटी से दबा देंगे तो उड़ेगा नहीं, नहीं तो हवा से उड़ जाएगा। देखिए एक रात में बारिश आई थी, हवा की वजह से बांस ये है लटक आया है। दोस्तों ये शाम हो गई है और बारिश होने का तो हम फ़ायदा जा रहे हैं उठाने, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन भी कर रहा था, बच्चों भी बोल रहे थे मम्मी घाटी का लिट्टी सेकिए या छान कर सकिए या आग पर जलाकर गोइठे से सेक दीजिए। तो वही सोचें कि आज बारिश हुई है, ठंडा भी मौसम हुआ है, शाम को भी बारिश थोड़ी मोड़ी हो गई थी मगर रात में बहुत तेज़ी से बारिश हुआ, बहुत तेज़ी से एकदम धान तो सूख रहे थे मगर थोड़ा सा बारिश भगवान जी कर दें तो धान अच्छे हो जाएंगे। अगर फिर 5-6 दिन धूप कर देंगे तो फिर उसी तरह धान जलता ही रहेगा। यहाँ पर अब मेरा घाटी बन गया है, घाटी में तो अब घाटी तो हर सब कोई बना लेते हैं, सत्तू और मिर्च, नमक, नींबू, प्याज, लहसुन, और बनाने का भी अलग अलग तरीका है, मगर अंधेरा हो रहा था तो उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। यहाँ पर हम भर रहे हैं, मेरा बाबू भर रहा है, करा के मम्मी आपका हेल्प करा दें तो हम कहें कि करा दो, तो करा के हम सीख लेंगे तो जाएंगे कहीं पढ़ने के लिए तो बना कर खाएंगे, तो हम करेंगे बना कर खाओगे ये तुमको गोईठा कहाँ मिलेगा सीखने के लिए, तो करा कि नहीं मम्मी हम छान कर खाएंगे। यहाँ पर मेरी बाटी सीख कर तैयार हो गया है, बाबू मेरा बहुत हेल्प किया। यहाँ पर देखिए निधि लोक रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है। यहाँ पर मैं टार्च के सहायता से यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ। आग भी मेरा जल गया है,
जल क्या पूरा देखिए तैयार हो गया है सेकने के लिए। यहाँ पर जलेली सेक रहे हैं, तो उसके बाद एक बार पलट कर और निधि के पापा बोले कि जाओ चोखा बना दो, हम तब तक सेकते हैं। तो वो सेकने लगे हैं और हम चलते हैं चोखा बनाने के लिए। देखिए मेरे बैंगन टमाटर भून गए हैं, इन्हें लेकर चलते हैं सेकने के लिए। यहाँ पर ये सेक रहे हैं, प्लाट इधर उधर प्लाटना रहता है, तो हम चोखा बनाएंगे। तब तक ये मेरे भौरी ही सिक्का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मिर्च और प्याज काट लिए हैं और देख रहे हैं कि बैंगन में बहुत कीड़े रहते हैं, तो ये बहुत डर भी लग रहा है कि इसमें एक आध दूर रह न जाए। बाबू मेरा छिल रहा है तो कह रहे हैं कि मत छिलो, उसमें रजाई कीड़े रहते हैं, तो कह रहे हैं नहीं मम्मी अच्छी तरीके से। आ देखिए मेरा निधि का तो नहीं मन लगता है, मगर बाबू मेरा पूरा हेल्प कराता है जो भी काम करेंगे। संगे संगे लड़कियों की तरह ये लगे रहते हैं, इनको काम करना बहुत पसंद है। यहाँ पर धनिया टमाटर मिर्च सब काट कर इसे मिला देंगे, क्योंकि 9 बज गया है। ये भी सब करते करते और छत पर बना रहे हैं तो अंधेरा हो रहा है, तो ज़्यादा वीडियो क्लीन नहीं होगा, तो इसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मैंने जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाए। ये यूपी के मशहूर फेमस आज बना रहे हैं बाटी चोखा, और किसको किसको पसंद है बताइएगा ज़रूर। मेरा तो दांत में दर्द है, देखते हैं कैसे खा पाते हैं कि नहीं। भौरी चोखा तो लगा रहे हैं, खा पाएंगे कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर मेरा आलू भी भून गया है और नमक डालकर इसे मिला देते हैं और मेरा चोखा बनकर तैयार हो जाएगा। आज जो कोठी पर खाना रहता है तो उसके तो बात ही कुछ अलग है, एकदम लाजवाब रहता है, देसी शुद्ध खाना। देखिए यहाँ पर मेरा चोखा बनकर तैयार हो गया है। और भौरी मेरा, हम लोग गांव में उसे भौरी बोलते हैं, तो आप जो भी बोलती रहेंगी वही आपके मुंह से निकलेगा, तो इसलिए ज़्यादा बाटी नहीं बोलते हैं। यहाँ पर मेरा भौरी सेककर तैयार हो गया है, चलते हैं खाना देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर लगा दिए हैं आप लोगों के लिए थाली बाटी चोखा, आकर खा लीजिए। जिस किसको किसको खाना है जरूर बताइए। उसके बाद ये अपने लिए एक भौरी ले लिए हैं, देखते हैं खा पाते हैं कि नहीं। मेरे दांत में तो दर्द है और आज मेरा बाबू बाटी चोखा बनवाया है, उसके लिए तो लाइक आप बनता है। कितना यम्मी और टेस्टी बना है। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।